चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2020 के जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन पे, ठीक है। और ये जो हमारा पर्टिकुलर सेट है वो इलेक्ट्रिकल और टीएफ के पेपर में, दैट इज टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। ऑल्दो ये जो सेट था हमारे पास में इलेक्ट्रिकल और टेक्सटाइल के पेपर में पूछा गया था, बट अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के अगर स्टूडेंट है तो ये जो लेक्चर है वो आपके लिए क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर डिपार्टमेंट के जनरल एप्टीट्यूड का जो सेट होता है उसे बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो कि हमारे पास में इंग्लिश ग्रामर का पार्ट था जो कि मैंने लीक किया, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इफ पी क्यू आर एस आर फोर इंडिविजुअल्स, हाउ मेनी टीम ऑफ साइज एक्सीडिंग वन कैन बी फॉर्म्ड विथ क्यू एज अ मेंबर। तो हमारे पास में कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस, हमारे पास में क्या है, 4 लोग हैं। हमें बोला गया है कि हम कितने ऐसे टीम्स बना सकते हैं, कितने ऐसे टीम्स हम फॉर्म कर सकते हैं जिनका साइज एक से बड़ा हो। दैट मींस 2 लोगों का टीम बना सकते हैं, 3 लोगों का टीम बना सकते हैं, या फिर 4 लोगों का टीम बना सकते हैं, ठीक है। 2 लोगों का, 3 लोगों का, या फिर 4 लोगों का टीम बना सकते हैं। कंडीशन क्या बोला गया है, विथ क्यू एज अ मेंबर, जो कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, क्यू हमारे पास में हर एक टीम का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, ठीक है। क्यू एज अ मेंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि हमारे पास में अगर हम 2 लोगों का टीम बनाए तो हमारे पास में कितना टीम बन सकता है विथ क्यू एज अ मेंबर, ठीक है। तो सपोज करिए मैं बात कर रहा हूँ 2 लोगों का टीम बनाना है, तो क्यू हमारे पास में ऑलरेडी एक मेंबर है उस टीम का, तो सिर्फ हमारे पास में जो पहला मेंबर होगा, या फिर अगर आप दूसरा मेंबर बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसको, तो हमारे पास में क्यू ऑलरेडी मेंबर है टीम का, तो हमारे पास बाकी के जो लोग हैं पी आर और एस, इन तीनों में से कोई एक लोग अगर हम सेलेक्ट करके डाल दें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3C1 हो जाएगा 3, और क्यू तो हमारे पास में ऑलरेडी टीम का मेंबर है, ठीक है। तो हमारे पास में 3 टीम्स ऐसी पॉसिबल होंगी, ठीक है। अब कौन कौन सी टीम होंगी, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास है पी क्यू, ठीक है, आर क्यू, ठीक है, और एस क्यू, ये 3 टीम्स हमारे पास में पॉसिबल होंगी, ठीक है। इधर आप ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर मैं 3 लोगों की टीम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है, 1 2 और क्यू तो हमारे पास में ऑलरेडी मेंबर है उस टीम का, ठीक है, क्योंकि क्यू तो हमारे पास में गिवन है, बोला गया कंडीशन में कि हमारे पास में क्यू क्या होना चाहिए, विथ क्यू एज अ मेंबर, ठीक है। तो हमारे पास में क्यू ऑलरेडी मेंबर है, बाकी के बचे कितने लोग हमारे पास में, पी आर और एस, दैट मींस 3 लोगों में से हमें 2 लोगों को सिलेक्ट करके डालना होगा इस जगह, दोनों प्लेस पर, ठीक है। हमने क्या किया, क्यू को छोड़कर बाकी के जो बचे लोग हैं पी आर और एस, उनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, 3C2 हमारे पास में था 3, तो हमारे पास में 3 टीम्स यहाँ पे ही पॉसिबल होंगी। कौन कौन सी 3 टीम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पी क्यू आर एक टीम होगा, ठीक है, और क्या हो सकता है, क्यू आर एस हो सकता है, और हो सकता है हमारे पास में पी एस क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 3 टीम। अब बात करते हैं हमारे पास में कि एक ऐसा टीम जिसमें हमारे पास 4 लोग हो, ठीक है, तो हमारे पास में एक ही टीम ऐसा बन सकता है जो कि होगा पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया, कितने टीम हो गए, 1 टीम 3 और यहाँ पे 3, ठीक है, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल कितने टीम्स पॉसिबल होंगी, 3 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर 1 टीम है, तो हमारे से टोटल कितनी टीम्स होंगी, 7 टीम्स पॉसिबल होंगी। तुम्हारे से ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 मेंबर्स का एक टीम बनाया, कितने टीम्स पॉसिबल होंगे उस केस के लिए, 3 टीम्स, 3 मेंबर्स वाला जो हमारे पास में टीम होगा वैसे कितनी टीम्स पॉसिबल होंगी, 3 टीम्स पॉसिबल होंगी, ठीक है।
और हमारे पास में एक टीम जिसमें कि हमारे चार मेंबर होंगे, वो सिर्फ एक ही टीम हो सकती है, वो ये वाली होगी, PQRS वाली। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, तीनों केसेस को हमने ऐड कर दिया, 3 टीम्स + 3 टीम + 1 टीम, दैट इज 3 3 6 1 + 1 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA ऑफ अ बैंक इन इंडिया इज डिफाइंड एज एन एसेट विच रिमेन्स अनपेड बाय बोरोअर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और बोथ। RBI हैज चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ NPA थ्राइस ड्यूरिंग 1993 टू 2004। 1993 से लेकर 2004 तक इस ड्यूरेशन में हमारे पास में उन्होंने क्या किया है, जो NPA का डेफिनेशन है उसे 3 बार चेंज किया, दैट मींस थ्राइस, 3 बारी क्या क्या डेफिनेशन को चेंज किया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द पीरियड ऑफ लोन, ठीक है, किसके टर्म में, होल्डिंग पीरियड ऑफ लोन के टर्म्स में उन्होंने क्या किया है, 3 बारी चेंज किया है उसका डेफिनेशन NPI का। ठीक है, द होल्डिंग पीरियड वॉज रिड्यूस्ड बाय 1 क्वार्टर ईच टाइम। ठीक है, होल्डिंग पीरियड क्या हो रहा है हमारे पास में, 1 क्वार्टर हर टाइम घट रहा है। ठीक है, इन 1993 द होल्डिंग पीरियड वॉज 360 डेज। तो हमारे पास बोला गया कि 1993 में हमारे पास में जो होल्डिंग पीरियड था वो क्या था, 360 डेज था। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ लोन इन 2004 आफ्टर द थर्ड रिविजन वॉज। तो हमारे पास में सपोज करिए कि हमारे साथ 360 डेज है। ठीक है, तो हमारे पास में हर रिसेशन के बाद, दैट मीन्स हर हमारे पास में रिविजन के बाद क्या होगा, ये हमारे पास में कितना आएगा, 90। ठीक है, तो हमारे पास में ये आया, हर रिविजन के बाद 90 डेज, 1 क्वार्टर, दैट इज 1 क्वार्टर रिड्यूस होगा, इतना हर बार रिड्यूस होगा, हर बार जब रिविजन होगा तो क्या होगा, 90 डेज घट जाएगा। तो पहली बार जब हमारे पास में रिविजन होगा तो क्या होगा, 90 डेज घट जाएगा, तो आएगा 270 डेज आफ्टर फर्स्ट रिविजन। जब उसके सेकंड रिवीजन होगा तो क्या होगा हमारे पास में, फिर से 90 डेज घट जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 180 डेज। ठीक है, होल्डिंग पीरियड। उसके बाद फिर हमारे पास जब थर्ड बारी, दैट इज लास्ट बारी जब हमारे पास में, दैट इज इन 2004 जब हमारे पास में रिवीजन होगा तो क्या आएगा हमारे पास में, 180 - 90 डेज फिर से घटेगा, तो हमारे पास में कितना आएगा, 90 डेज, जो कि हमारे पास में क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, दैट इज इन 2004 आफ्टर द थर्ड रिवीजन। पहला रिवीजन यहाँ, दूसरा रिवीजन और यहाँ पर तीसरा रिवीजन। तीसरे रिवीजन के बाद हमारे पास में होल्डिंग पीरियड क्या आया हमारे पास में, 90 डेज, तो हमारे पास में आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी, दैट इज 90 डेज। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर मैंने फर्स्ट रिवीजन निकाला, फिर सेकंड रिवीजन के बाद, फिर थर्ड रिवीजन के बाद हमारे पास में क्या आया, होल्डिंग पीरियड, वो हमारे पास में 90 डेज मिला, वही हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग का दिख रहा है। सेलेक्ट द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। ठीक है, हमारे पास में पहला एलिमेंट है जेड, दूसरा है डब्ल्यू वी, तीसरा हमारे पास में है आर क्यू पी। हमसे पूछा गया है कि उसके बाद का जो सीरीज का टर्म होगा वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में जेड होता है 26th नंबर पे, ठीक है, यू वी डब्ल्यू हमारे पास में होता है 23rd नंबर पे, और वी होता है हमारे पास में 22nd पे, क्यू आर 18th पे आता है आर हमारे पास में, और क्यू आता है 17th पे, पी आता है हमारे पास में 16th पोजिशन पे। ठीक है, लेटर्स तो हमारे पास में मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया लेटर्स का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में कोई पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में इनके आपस में हमारे पास में कितने का डिफरेंस है, सिंगल सिंगल का, एक यहाँ पे घटा है, एक यहाँ पे घटा है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक ही घटा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है। तो हमारे पास में पहले देखिए कि इनके बीच का क्या डिफरेंस है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस, देखिए 26 में से हमारे पास में अगर हम 3 घटाएंगे तो आएगा 23,
और यहाँ अगर 22 है हमारे पास में, तो यहाँ पर अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 18, ठीक है, 22 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 18। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर होगा वहां पर क्या घटेगा, 5। देखिए यहाँ पर 3 घटा, यहाँ पर 4 हमारे पास में सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट होगा। 16 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 11, ठीक है, हमारे पास में 11 आएगा। 11 पे होता है हमारे पास में, हमारे पास में क्या आ जाता है 11 पे, के आता है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 11 पे के। और हमारे पास में क्या होगा, अब यहाँ पर घटता जाएगा, दैट इज 10, 9, 8, ठीक है। देखिए हमारे पास पहले वाले टर्म में एक ही हमारे पास में लेटर था, दूसरा वाले टर्म में हमारे पास दो लेटर्स थे, तीसरे वाले टर्म में 3 लेटर हुआ, तो चौथे वाले टर्म में कितना होगा, 4 लेटर्स होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में अगर मैं बोलूँ 11 पे अगर के है, तो हमारे पास 10 पे क्या होगा, जे, ठीक है। इसके बाद हमारे 9 पे क्या होगा, हमारे पास आई एच, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा वो होगा के जे आई एच, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें करेक्ट दिख रहा है, के जे आई एच, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास में 2 मार्क के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन 4 डिजिट इंटीजर नंबर्स फ्रॉम 1001 टू 9999, ठीक है, द डिजिट ग्रुप 37 इन द सेम सीक्वेंस अपीयर्स डैश टाइम्स, ठीक है। हमसे बोला गया है कि 1001 से लेकर 9999 तक हमारे पास में, ठीक है, फ्रॉम 1001 टू 9999 हमारे पास में क्या होंगे, 4 डिजिट के नंबर्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, 4 डिजिट के नंबर्स होंगे। बोला गया है कि उन नंबर्स में से ये वाला जो नंबर हमारे पास में है 37, इस सीक्वेंस में कितनी बारी आया होगा, कितने टाइम्स हमें दिखेगा, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर केसेस बना के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे केसेस बना के इसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास में, तो मैं पहला केस लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 4 डिजिट के मैंने नंबर बना लिए और 37 को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर हो गया हमारे पास में, और लास्ट का 2 डिजिट हमने 37 को सेम ऑर्डर पे, जैसा बोला गया था हमारे पास में कि डिजिट ग्रुप 37 इन द सेम सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, दैट इज 3 हमारे पास में पहले आना चाहिए और 7 बाद में आना चाहिए, ठीक है, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अब हमारे पास आप ये बताइए मेरे को कि अगर ये हमारे पास में 4 डिजिट का नंबर अगर मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो पहला पोजिशन और सेकेंड पोजिशन पे है, यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास में 0 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर आ सकता है हमारे पास में, 0 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास में 0 अगर यहाँ पर आएगा तो हमारे पास में क्या ये 4 डिजिट का नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दैट मीन्स एक्सेप्ट 0 हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन पर 9 नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है, ये हमारे पास में विथ रिपीटेशन वाला केस है, विथ रिपीटेशन, ठीक है, हमारे पास में होता है एक विथ रिपीटेशन, एक होता है विदाउट रिपीटेशन वाला केस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हमारे में कुछ भी नहीं बोला गया रिपीटेशन के बारे में, इसका मतलब है हमारे पास में कि रिपीटेशन जो हमारे पास में है वो अलाउड है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है रिपीटेशन के बारे में, तो इसका मतलब हमारे पास में जो डिजिट का रिपीटेशन है वो अलाउड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारे पास में अगर फर्स्ट प्लेस पर 9 नंबर्स हमारे पास में आ सकते हैं, 9 डिजिट्स, तो सेकंड प्लेस में हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में 10 डिजिट्स अलाउड होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन नंबर्स में से कोई भी आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक में से कोई भी नंबर हमारे पास में आ सकता है। दैट मीन्स 10 डिजिट्स में से कोई भी नंबर आ सकता है, और पहले वाले हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर आ सकते थे। दैट मीन्स हमारे पास में कितने वेज हो जाएंगे, 9 × 10, दैट इज 90 नंबर्स हमारे पास में ऐसे होंगे जहां पर कि हमारे पास में 37 यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस में हमारे पास दिखेगा, ठीक है। तो
इस पहले वाला केस हमारे पास में आ गया, 90 नंबर्स हमारे पास में पॉसिबल होगा। दूसरा वाला केस जहां पर कि हमारे पास में 37 जो है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला वाला केस मैंने क्या लिया था, 37 को मैंने यहां पर रखा था, फिक्स कर दिया था मैंने यहां पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि 37 को सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो क्या हमारे पास में फर्स्ट प्लेस पे फिर से हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक नंबर्स आ सकते हैं, दैट मींस 9 वेज से हम फिल कर सकते हैं पहले वाले प्लेस को, और जो लास्ट वाला प्लेस है उसे हम 10 वेज से फिल कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर को ले सकते हैं। दैट मींस हमारे पास में नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 9 × 10। इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास में हमने डिजिट्स फिक्स किए हैं, ठीक है। 3 और 7 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये डिजिट्स को मैंने क्या किया है, फिक्स कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास में है 9 और 10, ये हमारे पास में नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट पोजिशन एंड सेकेंड पोजिशन, ठीक है। इसलिए हमने नंबर ऑफ वेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 10 दैट इज अगेन 90 वेज और 90 नंबर्स हमारे पास में यहाँ पे इस वाले केस में होंगे। थर्ड वाला लास्ट वाला केस हमारे पास में, जब हमारे पास में 37 यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, 4 डिजिट नंबर था हमारे पास में, 37 को मैंने पहले दो प्लेस पे फिक्स कर दिया, ठीक है। देखिए तो हमारे पास में ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे, थर्ड प्लेस में हमारे पास में क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, और लास्ट वाले प्लेस पे भी 0 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं। दैट मीन्स थर्ड वाले प्लेस को हम 10 वेज से फिल कर सकते हैं और लास्ट वाले प्लेस को भी हम 10 वेज से फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स 10 × 10 100 वेज से हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 100 नंबर्स हमारे पास में पॉसिबल होंगे ऐसे केसेस के। तो तीनों केसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास में आएगा 280, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसे जो हमारे 37 जो ये है 37 के वाला, और यहाँ पर हमारे पास में ये कितनी बार दिखेगा, हमारे पास में 280 टाइम्स हमारे पास में दिखेगा कंसीडरिंग ऑल द 3 केसेस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास में ये वाला जो आंसर होगा हमारे पास, मैं आंसर को टिक कर देता हूँ, 280, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। ये भी हमारे पास में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। गिवन अ सेमी सर्कल विथ ओ एज अ सेंटर, ठीक है, हमारे पास में एक सेमी सर्कल दिया हुआ, एज शोन इन द फिगर द रेशियो AC प्लस CB अपॉन AB, ठीक है, ये हमें बताना है, इज व्हाट, वेयर AC, CB एंड AB आर द कॉर्ड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास में क्या बोला गया है कि ये एक सेमी सर्कल है AC B, ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक सेमी सर्कल। तो अगर मैं बोलूँ कि A से लेकर O तक और O से लेकर B तक, दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OB होगा, इज इक्वल टू रेडियस होगा हमारे पास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास में क्या होगा, ये OC के भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये OC जो है वो भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास में क्या हो गया, यहां पर AO, OB और OC तीनों आपस में क्या होंगे, रेडियस के साथ में इक्वल होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में इसकी वैल्यू r और यहां पे भी मैंने मान लिया r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू मैंने बोल दिया r, ठीक है। तो हमारे पास में जो गिवन हमें फाइंड आउट करना है वो है AC प्लस CB अपॉन AB, ठीक है। अब देखिए AC हमारे पास में क्या होगा, AC की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास 90 डिग्री का एंगल दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इधर का एंगल भी 90 डिग्री होगा। दैट मींस हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर भी होगा r स्क्वायर। दैट मींस AC इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 2 r स्क्वायर का रूट ओवर, दैट मींस रूट 2 r होगा, यही होगा।
दैट इज ए सी हमारे पास में आ जाएगा रूट अंडर टू इंटू आर, प्लस सी बी हमारे पास में जो है सी से बी तक, ये वाला सी बी, सी बी हमारे पास में क्या होगा, सिमिलरली सी बी भी हमारे पास में क्या आएगा रूट टू इंटू आर आएगा। यहां पर भी इस ट्रायंगल में हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल ओ सी बी में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हमारे पास में सी बी क्या आ जाएगा सिमिलर वे में, जैसे हमने यहाँ किया सिमिलर वे में क्या आ जाएगा सी बी भी हमारे पास में रूट टू आर आ जाएगा। और ए बी हमारे पास में जो होगा ए बी वो क्या होगा, ए बी को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी विच इज इक्वल टू, यहां पर आएगा हमारे पास में टू रूट टू आर अपॉन, यहां पर आ जाएगा ए ओ हमारे पास में आर है और ओ बी भी हमारे पास में आर है, दैट मीन्स टू आर आ जाएगा, तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू रूट अंडर टू, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है क्लियरली, तो रूट टू हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था ये वाला भी, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया था, देखते हैं इस क्वेश्चन को। द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फोर डिफरेंट कंपनीज पी क्यू आर एस इन 2015 आर शोन इन द फिगर। If the revenue of company Q in 2015 was 20% more than that in 2014, ठीक है, तो हमारे पास बोला गया है 2014 और 2015 में जो रिवेन्यू है Q का, वो सपोज कर लीजिए हम मान लेते हैं कि रिवेन्यू Q का 2014 में जो हमारे पास में रिवेन्यू है वो है X, तो Q का रिवेन्यू 2015 में कितना हो जाएगा हमारे पास में 20% मोर देन बोला गया है, तो मैं बोल सकता हूँ 1.2x। ठीक है, एंड द कंपनी क्यू हैड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन एक्सपेंडिचर इन 2014। ठीक है, ये बात तो सही है। देन इट्स एक्सपेंडिचर इन मिलियन रुपीज इन 2014 वाज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो ग्राफ है वहां पर कंपनी जो क्यू है उसकी रिवेन्यू 2015 में हमारे पास में कितनी है 45 मिलियन, तो हमारे पास में 2015 में कितनी है रिवेन्यू 1.2x विल बी इक्वल टू 45, जो कि हमारे पास मैंने यहाँ ग्राफ से लिया है। कंपनी क्यू की रिवेन्यू 2015 में कितनी होगी 45 मिलियन, तो हमारे पास में यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख के निकाला था कि हमारे पास में 2014 में अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास में जो रिवेन्यू है वो अगर एक्स है, तो 2015 में रिवेन्यू कितनी हो जाएगी 20% इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स 1.2x हो जाएगी, जो किसके बराबर होगी 45 मिलियन के। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 37.5 मिलियन रुपीज। ठीक है, मिलियन रुपीस। ठीक है, अब हमारे पास में बोला गया कि एंड कंपनी क्यू हैड अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन एक्सपेंडिचर इन 2014। ठीक है, तो हमारे पास में बोला गया कि अगर 2014 में वो कंपनी क्या करती है 10% का प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास में आया है एक्स, वो क्या आया हमारे पास में 37.5, ये क्या है, ये 110% हमारे पास में अगर 37.5 है, तो हमसे पूछा गया है कि 100% जो हमने एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्च कर दिया वो कितना होगा। ठीक है, यही पूछा गया हमारे पास में, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से जीरो यही चला जाएगा, और अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 34.1 मिलियन रुपीज। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास में हमारे पास में बोला गया है कि कितना पैसा क्यू हैड अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन एक्सपेंडिचर, खर्च करने के बाद क्या होता है उसे 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो हम सपोज कर लेते कि हमारे पास में उसका एक्सपेंडिचर 34.1 है, तो इसमें अगर हम इसका 10% ऐड करेंगे तो इसका 10% कितना होगा हमारे पास में 3.41। ठीक है, इसका 10% अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 37.5, जो कि हमारे पास में यहाँ पर x है तो हमारे पास में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि हमारे पास में 34.1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन था हमारे पास में कि जो प्रॉफिट था वो ऑन एक्सपेंडिचर था इन 2014। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप यहां से भी समझ सकते हैं और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।